तकनीकी और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महारानी श्री जया महाविद्यालय में स्मार्ट साइंस लैब और एलिमेंट्री कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इन लैब के माध्यम से कोरोना काल में विद्यार्थियों को अध्ययन और प्रायोगिक कार्य करने की सुविधा मिलेगी। इस दौरान उन्होंने प्राचार्य को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकन कराने के लिए कॉलेज परिसर में काउंटर लगवाने के निर्देश दिए। राज्यमंत्री ने कहा कि महाविद्यालय में इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए कक्षाओं में विद्यार्थियों को जानकारी दें, जिससे वे इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें। इस अवसर पर नगर निगम के महापौर अभिजीत कुमार और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विवेक शर्मा समेत महाविद्यालय के प्राध्यापक उपस्थित थे। इन दो लैब के उद्घाटन से जो तकनीकी का प्रयोग करते हुए इस कोरोना पीरियड में किस तरह से हम बच्चों की पढ़ाई जो बाधित हुई है उसको पूरा कर सकते हैं, लेबोरेटरी वर्क जो बिल्कुल प्राय बंद है आज की तारीख में उसको हम सुचारू रूप से जो है इसको लिंक करके बच्चों को घर बैठे स्मार्टफोन के माध्यम से भी हम टेलीकास्ट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके बारे में एक मैंने आज ही कहा प्रिंसिपल साहब और उनकी पूरी टीम को कि यहाँ भी काउंटर शुरू कर दें, जो हमारे दूर दराज के गाँव के लोग हैं या जो बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है वो MSA कॉलेज आएँ और अपना ऑनलाइन रजिस्टर।